स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी क्या है स्टूडेंट आप लोग इसकी डेफिनेशन सीख लीजिए डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाना लेकिन आपको पता होना चाहिए चलिए हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है तो आप लोग समझिए संख्याओं के ऐसे विन्यास को हमारे पास संख्याएं हैं संख्याओं का कोई एक ऐसा विन्यास को अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियम के अनुसार रखा गया है ठीक है तो श्रेणी या अनुक्रम क्या होता है आप लोग समझ गए चलिए हम लोग समांतर श्रेणी की बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक प्रथम पद जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहलाती है तो इसको स्टूडेंट इस आप लोग इस तरीके से समझिए समझिए हमारे पास कोई पैटर्न है कोई अनुक्रम है और ये अनुक्रम कुछ इस तरीके से देखिए ए अनुक्रम हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है और हमें पता करना है कि यहाँ पे जो अनुक्रम हमें दिया गया है एक समांतर श्रेणी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए ए जो हमारा इसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं श्रेणी का ए हमारा प्रथम पद है प्रथम पद को ए वन जो द्वितीय पद है द्वितीय पद को हम लोग ए टू और जो हमारा तृतीय पद है तृतीय पद को हम लोग ए थ्री और जो हमारा चतुर्थ पद है इसको हम लोग ए फोर इसी तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं ठीक है इसी तरीके से हम लोग दर्शाते हैं समझिए हमारा कौन सा पद है एनवा पद है अब हमें चेक करना है कि होनी चाहिए इनका जो सर्वांतर है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए समझिए अगर हम लोग इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दें तो यहां पर हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये जो सर्वांतर है हमारे पास क्या आ गया दो आ गया चलिए इसी तरीके से अगर हम लोग तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दें तो देखिए क्या हमारा सर्वांतर आएगा सिक्स हमने माइनस फोर किया तो हमारे पास क्या आ गया टू आ गया इसी तरीके से अगर हम लोग इस पद में से इसको घटा दें तो अगर हमने दस में से एट को घटाया तब भी देखिए हमारे पास ये जो सर्वांतर है वो दो ही आया तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो सर्वांतर है वो क्या है बराबर है तो इस तरीके की जो हमारी श्रेणी होती है वो कौन सी श्रेणी होती है समांतर श्रेणी होती है अब ये जो समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू हमारा क्या है टू है और अगर हम लोग सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं लिख लीजिए आप लोग यहीं से डी को हम लोग क्या कहते हैं सर्वांतर कहते हैं और यहां ये जो आप देख रहे हो ए एन इसे हम लोग क्या कहते हैं एनवा पद कौन सा पद एनवा पद अगर हम आपसे पूछें यहां पर ये जो श्रेणी है इसका चौथा पद क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे पहला पद ए हो गया दूसरा पद ए हो गया तीसरा पद ए हो गया ए हमारी श्रेणी का चौथा पद है अगर इस तरीके से हम आपसे पूछें ये जो हमारी श्रेणी है इसका दूसरा पद क्या है तो आप कहेंगे फोर है और अगर हम पूछे यहाँ पे ये जो हमें श्रेणी दी गई है इसका पंद्रहवा पद क्या है तो आप लोग कैसे बताएंगे तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है देखिए अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें टर्म मिलता जाएगा लेकिन ये हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या है समझिए हमें ए एन निकालना है तो ए एन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है देखिए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी अब हमें पंद्रहवा पद निकालना है तो एन के स्थान पे हम लोग पंद्रह लिख देंगे और श्रेणी का प्रथम पद क्या है दो है तो यहाँ पर दो लिख देंगे प्लस पंद्रहवा पद निकालना है तो यहां पर पंद्रह माइनस वन ऑफ डी दी कर दीजिए और डी दी का वैल्यू क्या है दो है तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग देखिए पंद्रह में से हम एक घटाएंगे तो चौदह हो जाएगा चौदह को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अट्ठाइस हो जाएगा और अट्ठाईस में दो जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा तीस और ये जो हमारी समांतर श्रेणी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसका पंद्रहवा पद हमारा क्या हो गया तीस हो गया तो एनवा पद कैसे निकालते हैं इसको आप लोग यहाँ से सीख गए होंगे तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को सीखते हैं तो चलिए स्टूडेंट हमने समझिए यहाँ पर एक श्रेणी ले ली समझिए हमने एक श्रेणी ले ली अभी हमने जो श्रेणी ली थी समझिए हमने उसी को लिया तो इ, इस तरीके से हमारी श्रेणी है टू फोर सिक्स एट टेन और ऐसे ऐसे हमारे पद गए और यहाँ पर हमारा जो पंद्रहवाँ पद है वो क्या आया था थर्टी ये हमारा कौन सा पद है ये फिफ्टीन है पंद्रहवाँ पद है श्रेणी का अब यहाँ पर आप लोग देखिए श्रेणी का प्रथम पद हो गया और श्रेणी के अगर हम लोग सर्वांतर की बात करें तो श्रेणी का सर्वांतर हमारा क्या आया देखिए आप लोग इस वाले पद में से इसको घटा दीजिए या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए या फिर आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो जो हमारा सर्वांतर आएगा वो तो क्या आएगा दो आएगा यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है अगर दूसरे में से पहले को घटाएं तीसरे में से दूसरे को घटाएं तो हमें क्या मिलता है सर्वांतर तो इस तरीके से हमारा सर्वांतर आ गया अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो श्रेणी का यनवा पद है ये हमारा क्या हो जा तो रहा है श्रेणी का अंतिम पद यही तो हो रहा है श्रेणी का जो पंद्रहवा पद है वो अंतिम पद हो जा रहा है तो जब हमारी श्रेणी का जो एनवा पद है वो अंतिम अंतिम पद हो जा रहा है तो इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हमारा एनवा पद ए फिफ्टीन है वो इक्वल हो जा रहा है L के क्योंकि इस जो श्रेणी हमें दी गई है इस श्रेणी का ये अंतिम पद है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं देखिए हमारा जो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस वन ऑफ डी होता है और यहाँ पर ये जो हमारा ए एन है वो इक्वल हो जा रहा है किसके एल के तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा एल इज इक्वल माइनस वन ऑफ डी तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना जैसे अगर हमारी कोई श्रेणी है और उस श्रेणी का जो एनवा पद है अगर एल हो जा रहा है तो अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ तो स्टूडेंट आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे चलिए अब हम लोग आगे बात करते देखिए यहाँ पे जो हम ए एन लिख रहे हैं एनवे पद को आप लोग ए एन से भी डिनोट कर सकते हो पद को आप लोग ए एन से भी डिनोट कर सकते हो और आप लोग इसको टीएन से भी डिनोट कर सकते हो ठीक है किससे टीएन से डिनोट कर सकते हो या फिर आप लोग ए एन से डिनोट करते हो कर सकते हो दोनों बातें एक ही हैं तो यहाँ पर टीएन लिखा है तो कोई बात नहीं है आप लोग टीएन लिखना है या फिर ए एन लिखना आपकी चॉइस है आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हो चलिए अब हमने श्रेणी का एनवा पद निकालना सीख लिया आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। चलिए हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं ठीक है आप समझिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद ए है ठीक है समांतर श्रेणी का चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं समझिए आप है? हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या है इसका प्रथम पद हमारा ए है और इसका जो सर्वांतर है वो सर्वांतर क्या है सर्वांतर डी है तो हमसे कहा जा रहा है कि आप श्रेणी प्राप्त करो आप एपी बनाओ आप लोग चीजों को समझ रहे हो स्टूडेंट प्रथम पद हमें दिया है ए है सर्वांतर भी हमें दे दिया गया है और कह रहा कि आपको एपी है उसको फाइंड करना इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर ले जाएंगे अब हम लोग एपी कैसे निकालेंगे ए जो हमारी है अब इस का यूज करेंगे और हम लोग जो हमारी समांतर श्रेणी है उसको प्राप्त कर लेंगे तो समझिए आप लोग देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो गया जब हम लोग श्रेणी के प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ देते हैं ध्यान से सुनिए श्रेणी के प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिल जाता है तो प्रथम पद ए है जैसे ही हमने ए में डी को जोड़ा तो हमें श्रेणी का दूसरा पद मिल गया अब जब हम लोग दूसरे पद में जब हम लोग दूसरे पद में डी को ऐड करेंगे देखिए हमारा दूसरा पद है और इसमें जैसे ही हमने डी को ऐड किया तो क्या हो जाएगा देखिए ए और डी हमने ऐड किया डी तो प्लस डी टू डी तो इस तरीके से देखिए हमें टू डी मिल गया चलिए अब हमें तीसरा पद चाहिए तो इसके लिए ये जो हमारा दूसरा पद है दूसरा पद है दूसरे पद में हम लोग डी को ऐड करेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा देखिए हमने इसमें डी ऐड किया तो यहाँ पर ए है ए हो जाएगा टू डी है टू डी में एक डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री डी हो जाएगा समझ रहे हो स्टूडेंट चलिए अब हमें समझिए चौथा पद चाहिए तो चौथा पद प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा तीसरा पद है तीसरे पद में हम लोग डी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने डी ऐड किया थ्री डी है इसमें हमने वन डी ऐड किया तो ए हमारा फोर डी हो जाएगा फिर इसी तरीके से हमें पांचवा पद चाहिए तो पांचवे पद को हम लोग कैसे निकाल सकते देखिए ए इसमें हमने डी ऐड किया देखिए इसमें हमने डी एड किया तो हमें क्या मिल गया ए प्लस फाइव डी ठीक स्टूडेंट ए प्रथम पद हो गया द्वितीय पद हो गया तृतीय पद चतुर्थ पद पांचवा पद ए हमारा छठा पद हो गया छठा पद हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस फाइव डी तो इस तरीके से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं पदों को अब समझिए हमें पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, चाहिए। तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा इसको आप लोग नोट कर लीजिए राइट कर दीजिए राइट कर दीजिए हमारा पहला पद है पहला पद एन इज टू ए हमारा दूसरा पद है तो दूसरा पद ए प्लस डी ए हमारा तीसरा पद है तो इसे हम लोग ए थ्री लिखेंगे ए हमारा चौथा पद है इसे हम लोग ए फोर ए हमारा पांचवा पद है तो इसे हम लोग ए फाइव ए हमारा छठा पद है तो इसे हमने ए सिक्स लिखा अब इसी तरीके से हमें एनवा पद चाहिए ए एन चाहिए तो ए एन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अब आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए देखिए इसको हम लोग ए प्लस जीरो डी लिख सकते हैं जब यहां पे हमारा वन है तो यहां पर जीरो है यहां पर दो है तो यहां पर वन है यहां पर तीन है तो यहां पर दो है देखिए तीसरे पद में हम लोग दो डी कर रहे हैं दो से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे चार है तो यहां पर तीन है यहां पर पांच है तो यहां पर चार है यहां पे सिक्स है तो यहां पर फाइव है तो यहां से आप लोग क्या समझ रहे हैं अगर हमें एनोवा पद चाहिए तो सबसे पहले हमें ए ऐड करना पड़ेगा और यहां पर देखिए फाइव माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें देखिए अब हमें समझिए ए प्लस फाइव डी चाहिए तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं देखिए के लिए हमें समझिए चाहिए तो इसके लिए जो हमारा सिक्स माइनस वन इंटू में डी इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर भी हमारा एन माइनस वन ऑफ डी हो जाएगा तो देखिए ये जो फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जो हमारा एनवा पद है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है उसको भी हमने प्राप्त कर लिया तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे तो हमारी एपी क्या हो जाएगी प्रथम पद ए सर्वांतर डी दिया है तो इस केस में जो हमारा ए पी है जो हमारी समांतर श्रेणी है वो क्या हो जाएगी देखिए ए ए प्लस, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी और इसी तरीके से ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी और इस तरीके से जो हमारा ए एन है ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी और यही हमारा यनवा पद निकालने का फॉर्मूला है तो स्टूडेंट इस, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे ये जो श्रेणी के पद आपको दिख रहे हैं इसे हम लोग पद कहते हैं ये हम पद कहते हैं ये पहला पद है दूसरा पद तीसरा पद तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं तो स्टूडेंट इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अब आप लोग समझिए हमारे पास ये जो समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी के जो पद हैं हमें इनका योग चाहिए हमें इनको जोड़ना है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी तो जो समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी के अगर हम लोग एन पदों के योग की बात करें तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है ये हमारा एन पदों के योग का फॉर्मूला है लिख लीजिए समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के एन पदों का योग अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी और अगर हम लोग एन की बात करें तो एन हमारा क्या है पदों की संख्या कितने पद है ये पदों की संख्या है एन क्या है पदों की संख्या है यहां पे देखिए ए ए हमारा क्या है श्रेणी का जो प्रथम पद है वही हमारा ए है प्रथम पद है और डी की बात करें तो डी हमारा क्या है सर्वांतर है हमारा क्या है सर्वांतर है तो इस तरीके से अगर हमें श्रेणी के यन पदों का योग चाहिए तो श्रेणी के यन पदों, का का n to, तो यन पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू होता है ऑफ ऑफ तो स्टूडेंट हमने एन पदों के योग का फॉर्मूला निकाला अब समझिए इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं देखिए इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं यहां पर देखिए एन बाई टू ऑफ टू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए ऑफ एन माइनस वन ऑफ डी इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पर प्लस लगाइए ए प्लस ए टू ए को लिख सकते हैं ना अलग करके ए प्लस ए प्लस ए एन माइनस वन ऑफ डी और यहां से स्टूडेंट आप लोग देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं ए है हमारा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी अगर हमें श्रेणी का यनवा पद पता है हम तो लोग इस फॉर्मूले का यूज करके एन पदों का योग निकाल सकते हैं ए तो एन क्या है श्रेणी का एनवा पद और इसको हमने किस आधार पर लिखा यहां से श्रेणी का फॉर्मूला आप लोग समझे रही भी क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चलिए अब स्टूडेंट आप लोग समझिए अगर हमारा जो श्रेणी है श्रेणी का जो एनवा पद है वो अंतिम पद हो जाए एल हमारा क्या होता है अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद अब हमारा एनवा पद है श्रेणी का अंतिम पद हो जाए तो इस केस में जो हमारे एन पदों के योग का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ऑफ ए प्लस एल ए हमारा क्या है अगर ए एन हमारा अंतिम पद हो जाए तो एन पदों के योग का फॉर्मूला आप लोग इसको याद रखना आप लोग इसको ध्यान में रखना आप लोग इस वाले फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना ध्यान में रखना। तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से हमने क्विक रिवीजन किया चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं चाहे बहुविकल्पीय माध्यम हो चाहे अति लघु उत्तरीय हो चाहे लघु उत्तरीय वाला हो या फिर दीर्घ उत्तरीय वाला हो इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देखिए क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर वन बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप, आपके एग्जाम में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको भी समझते रहिए तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए देखिए क्या कहा जा रहा है निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है जो समांतर श्रेणी में नहीं है हमें उसका उसको बताना है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग सर्वांतर देखेंगे अगर सर्वांतर हमारा समान है तो समांतर श्रेणी में है जिनमें सर्वांतर समान नहीं होगा वो हमारी क्या हो जाएगी वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है देखिये क्या क्या दिया है वन दिया है फोर सेवन तो आप लोग सर्वान्तर निकालिए देखिए क्या हो जाएगा चार में से हमने एक घटाया तो कितना आ गया तीन आगे देखिए हमने सात में से चार घटाया तब भी हमारे पास कितना आ गया तीन ठीक है सात में से हमने चार घटाया तब भी हमारे पास तीन आ गया इसको आप लोग डी लिख लीजिए इसको डी और जो हमारा डी है वो बराबर है डी को बराबर है थ्री के यानी कि हमारा समांतर श्रेणी है हमारा आंसर नहीं होगा इसमें देखिए माइनस दो में से हमने माइनस पांच घटाया माइनस दो में से हमने माइनस पाँच को क्या किया घटा दिया क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस दो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर प्लस फाइव और हमने पाँच में से दो घटाया यहाँ पर तीन आ गया अब आगे देखिए एक में से माइनस दो करेंगे तो कर दीजिए एक में से हमने माइनस दो किया ठीक है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी हमारा सर्वांतर तीन आ गया इसमें देख लीजिए चार में से एक घटाएंगे तब भी कितना आएगा तीन आ गया यानी कि ये भी हमारी क्या है समांतर श्रेणी है अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं सात में से हमने तीन घटाया तो चार आ गया बारह में से हमने सात घटाया तो पाँच आ गया अट्ठारह में से हमने बारह घटाया तो छः आ गया यानी कि ये हमारी क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है अगर हमारा सर्वांतर समान आता है सब जगह तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है इसमें सर्वांतर समान नहीं है इसलिए क्या है ये समांतर श्रेणी में नहीं है और यही ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है इसमें भी चेक कर लीजिए चौदह में से ग्यारह घटाएंगे थ्री आएगा सत्रह में से चौदह घटाएंगे तो तीन आएगा और बीस में से सत्रह घटाएंगे तब भी तीन आएगा यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है यही क्या है करेक्ट है चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए समांतर श्रेणी में माइनस इलेवन माइनस एट माइनस फाइव का पहला धनात्मक पद है तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो समांतर श्रेणी है इसका जो पहला धनात्मक पद है वो हमें बताना है क्या बताना है पहला धनात्मक पद बताना है तो ये जो समांतर श्रेणी लिखी गई है इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे माइनस इलेवन है यहाँ पर माइनस एट है और यहाँ पर क्या है माइनस फाइव है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसके बीच का सर्वांतर चेक कर लेते हैं तो देखिए हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा माइनस एट में से हम घटाएंगे को ठीक है हमने एट में से को घटाया तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर प्लस इलेवन आया और इलेवन में से हम आठ घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा अब स्टूडेंट हमें पहला धनात्मक पद बताना है तो आप लोग क्या करोगे देखिए ये हमारी श्रेणी है अब इसमें हम लोग सर्वांतर को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो इसमें आप सर्वांतर जोड़ दीजिए सर्वांतर जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा माइनस पाँच में प्लस तीन आप ऐड करिए तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर माइनस पाँच में हमने प्लस तीन किया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस दो आएगा ठीक है यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस दो तो माइनस दो कर लीजिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें सर्वांतर को ऐड करेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा तो सर्वांतर को आप इसमें ऐड कर दीजिए देखिए क्या हो जाएगा माइनस दो प्लस तो तो तीन तो यहाँ पर जैसे माइनस दो प्लस तीन किया तो देखिए में से दो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया एक अब एक क्या है पहला धनात्मक पद मिल रहा हमें यही चलिए इसमें भी हम लोग सर्वांतर को ऐड करते हैं और जैसे ही हमने सर्वांतर को इसमें ऐड किया तो ए में दूसरा धनात्मक पद क्या मिल गया चार मिल गया तो हमें पहला धनात्मक पद बताना है तो यहां पर जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है इसका पहला धनात्मक पद क्या है एक है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है वन तो स्टूडेंट आप लोग देखिए कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के लेवल को आप लोग चेक करिए और किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोग इसको भी समझते चलिए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोगों के सामने अगला प्रश्न प्रश्न 2019 में पूछा गया है आप लोग इसको पढ़िए देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें समांतर श्रेणी हमें दी गई है तो आप राइट कर लीजिए ए पी क्या दिया है थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री इस तरीके से हमें दिया गया है हमें क्या बताना है समांतर श्रेणी है ऐसा हमें दिया है हमें इसका सर्वान्तर बताना है तो इसके सर्वांतर को हम लोग डिनोट करेंगे डी से और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे तो दूसरा पद हमारा क्या है वन है तो वन में से हमने थ्री को घटाया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस टू क्या आया माइनस टू आप लोग इसमें से इसको भी घटा सकते हो देखिए अगर हमने माइनस वन में से इस वन को माइनस किया तो माइनस कर दीजिए वन को तब भी हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा माइनस टू तो यानी कि ये जो श्रेणी हमें दी गई है इस श्रेणी का सर्वांतर क्या है माइनस टू तो इतने आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग क्वेश्चन पढ़िए इसमें कह रहा है कि अंडर रूट एट अंडर रूट अठारह अंडर रूट बत्तीस का अगला पद है जबकि ये समांतर श्रेणी में है तो चलिए हम लोग इनका अगला पद निकालते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको आप लोग राइट कर लीजिए हमारी ए पी क्या दी गई है प्रथम पद अंडर रूट एट है द्वितीय पद क्या है अठारह है और तृतीय पद क्या है बत्तीस है और हमें इसका अगला पद यहाँ पर क्या आएगा हमें यही बताना है तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमने सीखा था ना कि अगर हमें इसका अगला पद चाहिए तो जब हम इसमें सर्वांतर को ऐड करेंगे तभी हमें अगला पद मिलेगा देखिए अगर हमें इसका अगला पद चाहिए तो अंडर रूट बत्तीस में हम लोग सर्वांतर को ऐड कर देंगे तो हमें ए वाला पद मिल जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर्वांतर तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो आप अंडर रूट अट्ठारह में से अंडर रूट एट को घटा दीजिए घटाइए देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट अठारह में से अंडर रूट एट को घटाइए और सोचिए हम लोग अंडर रूट अट्ठारह को क्या लिख सकते हैं नौ गुड़े दो लिख सकते हैं चलिए यहाँ पर अंडर रूट एट है तो अंडर रूट एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं चार गुड़े दो लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग आगे देखिए नाइन का वर्गमूल ले लेंगे क्या हो जाएगा थ्री यहाँ पर हो जाएगा थ्री रूट टू और यहाँ पर देखिए चार का वर्गमूल ले लेंगे तो टू हो जाएगा यहाँ पर टू रूट टू थ्री रूट टू में से टू रूट टू घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वन रूट टू यानी कि रूट टू बचेगा तो ये जो सर्वांतर है वो हमारे पास क्या आ चुका है चलिए, अब आप लोग इसमें अंडर रूट टू जोड़ दीजिए अंडर रूट बत्तीस में अंडर रूट बत्तीस में हमने अंडर रूट टू जोड़ा अब ऐसे आप नहीं जोड़ सकते तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे आप जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा अंडर रूट बत्तीस में अंडर रूट दो जोड़े हुए तो गलत हो जाएगा इस तरीके से आपको नहीं जोड़ना सबसे पहले आप इसको ब्रेक करिए तो बत्तीस को हमने सोलह गुड़े दो के रूप में ब्रेक कर लिया आगे देखिए अब यहां से जो सोलह है इस सोलह का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर रूट टू और यहां पर देखिए क्या है अंडर रूट टू तो चार रूट टू में वन रूट टू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव रूट टू और यही हमारा क्या हो गया अगला पद अब जहां पर भी आपको दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये जो यहां पे समांतर दी गई है इसका अगला पद हमारे पास क्या आ गया बत्तीस तो जहां पर भी ऑप्शन दिख रहा है आप लोग करेक्ट कर लीजिए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी दी गई है और इसका हमें तीसवा पद बताना है तो चलिए लिख लीजिए अब बिना सॉल्व करे तो आप बता नहीं सकते तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप लिखिए एपी इज, हमें क्या दिया गया है टेन सेवन फोर और इसका हमें तीसवा पद बताना है कौन सा पद बताना है इसका जो तीसवा पद है वो क्या होगा हमें इसका तीसवा पद बताना है तो तीसवें पद को हम लोग किससे डिनोट करेंगे ए थर्टी तो हमें ए वाला पद चाहिए तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर देखिए हमारा सर्वांतर क्या है सबसे पहले हम लोग सर्वांतर देख लेते हैं तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे सात माइनस दस देखिए इस वाले पद में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आप लोग सेवन कर दीजिए माइनस टेन और सात में से दस घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस थ्री तो डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस थ्री आ गया चलिए हम लोग श्रेणी के प्रथम पद की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए ये जो श्रेणी हमें दी गई है इसका प्रथम पद क्या है टेन है और हमारा एन कितना है देखिए हमें तीसवा पद बताना है तो थर्टी तो है, है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अब एनवा पद निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या देखिए हमें तीसवा पद बताना है तो एनवा पद बताना है ना ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आप लोग बताइए होता होता है A N D होता है ऑफ अब हमें पद बताना है देखिए तो एन के स्थान पे आप थर्टी रख दीजिए जहां जहां एन है वहां वहां थर्टी रखिए तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है देखिए दस है तो यहां पर हमने टेन राइट किया प्लस एन इज इक्वल टू थर्टी रखना थर्टी राइट कर दीजिए माइनस वन ऑफ डी और डी का वैल्यू क्या है देखिए d का वैल्यू माइनस थ्री है तो यहाँ पे आप माइनस थ्री राइट कर दीजिए और अब आप लोग इसको इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करिए देखिए क्या हो जाएगा ए थर्टी इज इक्वल टू यहाँ पर दस लिखिए प्लस तीस में से एक घटाएंगे तो उनतीस हो जाएगा उनतीस को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनतीस क्या हो जाता है सतासी और माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा अब यहां पर देखिए माइनस एट्टी सेवन है प्लस टेन है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस सेवन सेवन घटाना तो आप लोगों को आता ही होगा तो यहां से देखिए ये जो ए थर्टी है ए थर्टी इज इक्वल टू कितना आ गया जो श्रेणी है उसका जो तीसवा पद है वो माइनस सेवनटी सेवन आ गया है तो जहां पर आपको माइनस सेवनटी सेवन दिख रहा है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट जो श्रेणी का तीसवा पद है वो हमारे पास आ चुका है माइनस सेवनटी सेवन ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए इसमें कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी में यदि डी इज इक्वल टू माइनस फोर एन इज इक्वल टू सेवन और ए एन इज इक्वल टू चार है तो ए का मान है हमें ए का मान बताना है तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा का जो सर्वांतर है वो हमें माइनस फोर दिया है पदों की जो संख्या है सेवन दी गई है और जो ए एन है वो कितना दिया गया, 4 दिया गया है एन कितना दिया गया फोर दिया गया है तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हमें ए का मान बताना है हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी ए एन इज्वक्वल टू कितना दिया फोर तो यहाँ पर आप फोर राइट कर दीजिए श्रेणी का जो प्रथम पद है हमें निकालना है तो यहाँ पे ए को वैसे ही रहने दीजिए एन इज इक्वल टू सेवन दिया है तो यहाँ पर आप सेवन राइट कर दीजिए माइनस वन ऑफ डी और डी का वैल्यू क्या है माइनस फोर तो यहाँ पर आप लोग माइनस फोर राइट कर दीजिए चलिए आगे देखिए ए प्लस सेवन में से वन घटाएंगे तो सिक्स हो जाएगा और सिक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए क्या होता है छे को माइनस चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है और छ चौके क्या हो जाएगा चौबीस यहाँ पर आप फोर राइट कर दीजिए इस माइनस चौबीस को आप इस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा इस तरफ भेजिए तो माइनस चौबीस प्लस चौबीस हो जाएगा तो चार प्लस चौबीस और चौबीस में चार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अट्ठाइस यहां पर ये जो श्रेणी है श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास एज इक्वल टू क्या गया अट्ठाईस ए हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट है तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग प्रश्न को पढ़िए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग पढ़िएगा समझिएगा चलिए आगे देखिए यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर माइनस चार तथा दसवां पद माइनस एट तो श्रेणी का प्रथम पद होगा तो हमें जो जो डेटा दिया गया आप लोग राइट कर लीजिए हमें क्या क्या दिया है श्रेणी का सार्वंत्र सार्वंत्र को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से तो डी इज इक्वल टू माइनस चार दसवां पद यानी कि जो ए टेन है वो हमें कितना दिया माइनस एट दिया है तो श्रेणी का हमसे प्रथम पद पूछा जा रहा है तो एनवा पद हमें दिया है देखिए क्या है टेन है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन इजल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है और यहाँ पे दसवा पद हमें दिया है यानी कि एन इजल टू तो हमें क्या रखना है टेन लेकिन एन बराबर टेन रखने पर तो एन बराबर आप लोग टेन रख दीजिए देखिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पर ए टेन हो जाएगा ए टेन इजकअल टू तो ए प्लस टेन माइनस वन डी का वैल्यू क्या है माइनस फोर आगे देखिए ए टेन कितना दिया माइनस एट तो यहाँ पर आप लोग माइनस एट राइट कर दीजिए ए प्लस दस में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा नौ और यहाँ पे नौ को माइनस चार से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्लस नौ को माइनस चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा और यहां पर क्या है माइनस एट इस माइनस थर्टी सिक्स को आप इस तरफ भेजिए क्या हो जाएगा माइनस एट प्लस थर्टी सिक्स छत्तीस में से आपको एट घटाना है तो क्या हो जाएगा सोलह में से आठ गया आठ और यहाँ पर क्या बचा दो तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ गया ए का वैल्यू हमारे पास आ गया है ट्वेंटी एट और स्टूडेंट देखिए हमारा पास कितना आ गया ट्वेंटी एट ये जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या है करेक्ट है तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट आप लोग और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए देखिए क्या कहा जा रहा है यह किसी समांतर श्रेणी का सार्वंत्र फाइव है किसी समांतर श्रेणी का सार्वंत्र हमें क्या दिया है फाइव दिया है तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा सार्वंत्र को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं किससे दिखाते हैं डी से डी का मतलब डिफरेंस और डिफरेंस का मतलब अंतर अंतर तो तो सभी में अंतर है तो स... समान है जो ठीक डी और हमें क्या करना है देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंत्र फाइव है तो ए एटीन माइनस ए थर्टीन क्या है हमें समांतर श्रेणी का जो अठारवा पद है अठारवें पद में से तेरहवें पद को घटाएंगे और इन दोनों के बीच में जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए अठारह निकाल लेते हैं ए क्या हो जाएगा यानी कि का अठारह पद क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं ए प्लस एन। और एन का वैल्यू पर देखिए क्या दिया अठारह तो यहाँ पर आप लोग राइट करिए अठारह माइनस वन इन टू में डी और डी का वैल्यू क्या है फाइव है तो यहाँ पर आप लोग फाइव राइट कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा ए एन ए प्लस अट्ठारह में से घटाएंगे तो सत्रह आ जाएगा और सत्रह को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पचासी हो जाएगा और इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण नंबर ए समझ गए स्टूडेंट हमने क्या किया हमें यहां पर ए एटीन दिया है और हम फार्मूला जानते हैं क्या ए एन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी तो एन का वैल्यू हमें अट्ठारह रखना है देखिए तो हमें ए एटीन मिल जाएगा तो हमने यहां पर ए एन इजल टू अठारह रख दिया जहां जहां एन था वहां वहां हमने अट्ठारह रख दिया और इस तरीके से मैं समीकरण एक मिला अब इसी में आप लोग एन इज दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा जैसे ही हमने, तो A A तो हमने इन टू में डी और डी का वैल्यू क्या है फाइव है तो यहाँ पर हमने फाइव राइट कर दिया अब यहाँ पे रखिए ए थर्टीन इज इक्वल टू ए प्लस तेरह में से हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बारह और बारह को हमें पांच से मल्टीप्लाई कर रहा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए ए थर्टीन हमारे पास क्या जाएगा ए प्लस बारह पंचे क्या हो जाएगा साठ तो यहां पे हमें कुछ इस तरीके से मिला और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो समीकरण हम लोग क्या करेंगे दो में से एक में से दो को घटाएंगे तो लिखिए समीकरण एक में से एक में से दो को घटाने पर दो को घटाने पर तो स्टूडेंट आप लोग घटा दीजिए देखिए क्या हो जाएगा ए अठारह में से हमें घटाना है लिख लीजिए सबसे पहले समीकरण ए अठारह ए प्लस एट्टी फाइव हमारा समीकरण एक हो गया और समीकरण दो हमारा क्या है ए थर्टीन इज इक्वल टू ए प्लस सिक्सटी अब आप लोग घटा दीजिए घटाइए देखिए क्या हो जाएगा घटाने पर चिन्ह बदलेगा बदल दीजिए देखिए ए वाला ए इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अठारह माइनस ए तेरह इज इक्वल टू पचासी में से साठ घटाइए देखिए पांच में से जीरो घटाएंगे तो पांच और आठ में से घटाएंगे दो तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया ए 18 माइनस ए तेरह में निकालना था देखिए यहां पर ए 18 माइनस ए तेरह निकालना था और ए 18 माइनस ए तेरह हमारे पास क्या आ गया पच्चीस तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है करेक्ट है तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट इस इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग पढ़ लीजिए प्रथम सौ प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितक कौन थे गौस थे इनका नाम आपको याद रखना है चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो यहां पर स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए इसमें क्या कहा जा रहा है एक से दस तक एक से दस तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा हमें क्या निकालना है समांतर माध्य तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए समांतर माध्य होता क्या है तो समांतर माध्य होता है इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटो बटे पदों की संख्या समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है पदों का योग योग बटे पदों की संख्या पदों की संख्या ये हमारा क्या होता है समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है तो पद हमारे क्या है एक से दस तक की तो एक से दस तक की धनात्मक सम संख्याएं लेनी है क्या लेनी है एक से दस तक की धनात्मक और सम संख्या लेनी है तो पहली सम संख्या क्या होती है दो इसी तरीके से चार छ आठ और दस दस तक की लेनी है एक से दस तक की धनात्मक सम संख्याओं का में समांतर माध्य चाहिए तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो पद है पदों का योग हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये जो पदों का योग है ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है इसको हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं तो इसको आप लोग वैसे जोड़ लीजिए दस आठ अट्ठारह छः चौबीस चार अट्ठाईस दो तीस क्या हो गया पदों का योग लिख लीजिए पदों का योग क्या है तीस है पदों का योग तीस है और पदों की संख्या कितनी है देखिए एक दो तीन चार पांच तो यहां पर आप लोग पदों की संख्या देख लीजिए क्या है पदों की संख्या हमारी फाइव है और इस तरीके से तो स्टूडेंट इस इसमें हमें दस नहीं लेना ठीक है एक से दस तक की इनके बीच वाली संख्याएं लेनी दो चार छ आठ हमारा हो जाएगा दो चार छ छ बारह आठ बीस तो यहां पर बीस हो जाएगा पदों का योग और अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी चार तो चार इक्के चार चार पंचे बीस तो इनका जो समांतर माध्य है वो कितना है फाइव चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए ये हो चुका है तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए समझिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा अंतर होगा हमें यहाँ पे जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी के लिए हमें क्या बताना है प्रथम पद और अंतर बताना है तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बता देते हैं श्रेणी का प्रथम पद आपको क्या दिख रहा है वन अपॉइंट थ्री ये हमारा श्रेणी का प्रथम पद हो गया तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर तो प्रथम पद कहीं पर आपको वन पॉइंट थ्री दिख रहा है नहीं दिख रहा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा लेकिन चेक कर लीजिए इसका सार्वंतर क्या आएगा तो सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे देखिए इसमें से आप इसको घटा दीजिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो घटा दीजिए पांच बटे तीन माइनस एक बटे तीन करेंगे हर बराबर है तो पांच में से एक गया चार और यहाँ पे आ गया तीन तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है समांतर श्रेणी हमें दी गई है तो राइट कर लीजिए समांतर श्रेणी में क्या दी गई है समांतर श्रेणी को लोग एपी लिखते हैं ठीक है तो यहां पर लिख लीजिए जो दिया गया थ्री एट थर्टीन एटीन का कौन सा पद सेवेंटी एट है आप लोग ध्यान से पढ़िए का कौन सा पद हमें एन निकालना है कौन सा पद सेवनटी एट है तो हमें ए एन कितना दिया है सेवनटी एट दिया है हमें एन बताना है ठीक स्टूडेंट तो यहां पर एज इक्वल टू हमारे पास क्या है थ्री है डी इज इक्वल टू क्या है देखिए एट में से थ्री घटाएंगे तो फाइव हो जाएगा हमें ए एन दिया गया है ए एन हमारा कितना है सेवनटी एट है हमें एन का वैल्यू क्या करना है बताना है का कौन सा पद सेवनटी एट है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए तो एनवा पद निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी और एन में कितना दिया सेवनटी एट तो यहाँ पर आप लोग सेवनटी एट राइट कर दीजिए ए का वैल्यू थ्री है तो यहां पर हमने थ्री राइट किया एन माइनस वन एन में निकालना है तो वैसे रहने दीजिए डी का वैल्यू फाइव रख दीजिए और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए देखिए इस थ्री को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सेवनटी एट माइनस थ्री प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या बचा देखिए फाइव से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा फाइव एन माइनस अब आगे देखिए सेवनटी में से थ्री घटाएंगे तो हो जाएगा क्या सेवनटी इस माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस और यहां पर क्या बचा फाइव एन पचहत्तर में पांच जोड़िए क्या हो जाएगा अस्सी अस्सी इज इक्वल टू फाइव एन और स्टूडेंट यहां से एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए अस्सी यहां पर गुड़े के साथ है यहां पर आएगा भाग के साथ हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से काट दीजिए पांच एक के पांच और पांच सोलह में अस्सी यहां पर हमारे पास एन इज इक्वल टू क्या आ गया सोलह आ गया क्या आ गया एन इज टू सोलह यानी कि जो श्रेणी है श्रेणी का जो सोलवा पद है वो क्या होगा 78 होगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं हमने सॉल्व किया और आप लोगों ने सीखा भी होगा कैसे हम लोग कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं चलिए अब हम लोग अतिलग उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और समांतर श्रेणी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए इसमें कह रहा समांतर श्रेणी हमें दी गई है तो राइट कर लीजिए एपी हमें दिया गया है क्या दिया गया पद देखिए कौन कौन सा दिया गया थ्री अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू माइनस थ्री अपॉइंट टू के लिए प्रथम पद ए और सर्वंतर डी लिखिए हमें क्या बताना है ये जो श्रेणी हमें दी गई है इसके लिए हमें प्रथम पद बताना है और इसका सर्वांतर क्या होगा हमें इसको भी बताना है तो प्रथम पद यही हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू तो देखिए श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या हो गया थ्री अपॉइंट टू सर्वांतर कैसे निकालते हैं सोचिए आप लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो घटा दीजिए एक बटे दो माइनस तीन बटे दो कर दीजिए देखिए स्टूडेंट हर बराबर है तो हम लोग घटा सकते हैं घटाइए क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री अपॉन में टू माइनस थ्री प्लस वन तो क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉइंटमेंट टू 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 से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन तो ये जो श्रेणी हमें दी गई है इसका सर्वांतर हमारे पास क्या आ चुका है माइनस वन श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास इक्वल टू थ्री बाई टू है और श्रेणी का जो सर्वांतर है डी इक्वल टू माइनस वन है तो लिख दीजिए अतः आपको अच्छे से एकदम क्लियर करके लिखना है लिखिए अतः श्रेणी का प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद एज इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू तथा डी इज इक्वल टू माइनस वन है तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद टू एन माइनस वन है तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए तो हमें जो एनवा पद है यानी कि जो ए एन है वो हमें कितना दिया है टू एन माइनस वन दिया है तो हमें सातवां पद चाहिए यानी कि एन इजक्वल टू हमें क्या रखना है सेवन रखना है तो रख दीजिए एन इजक्ल टू सेवन रखिए देखिए हमें सातवां पद मिलेगा हमने सेवन रखा है एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा दो इन में एन का स्थान पे सेवन माइनस वन और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दो सौ चौदह माइनस एक और चौदह में से हम एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो हमारी श्रेणी है श्रेणी का एनवा पद हमारे पास क्या आ चुका है तेरह और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो इस तरीके से जब आपको दिखे तो आपको डरना नहीं है आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आराम से सॉल्व कर लेना है हमें श्रेणी का एनवा पद दिया है जब एनवा पद दिया है तो हम लोग जो पद निकालना है एन के स्थान पे वही रख देंगे और उस पद का मान निकाल लेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए देखिए क्या कहा जा रहा है श्रेणी नाइन फाइव वन थ्री का नवा पद ज्ञात कीजिए ठीक है कौन सा पद ज्ञात करना नवा पद तो ये जो श्रेणी दी गई श्रेणी को आप लोग राइट कर लीजिए एपी में क्या दिया ए पीन माइनस थ्री का हमें पद निकालना है कौन सा पद पद तो नवा पद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे A9 से तो हमें ए नाइन चाहिए ए नाइन क्या होगा हमें बताना है तो हम लोग फॉर्मूला जानते ए एन क्या एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन ऑफ होता है अब यहाँ पे ये यह जो श्रेणी हमें दी गई है इसका डी निकालिए कैसे निकलेगा डी डी कैसे निकलेगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो आप फाइव माइनस नाइन करिए फाइव माइनस नाइन करेंगे करें, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर ठीक है चलिए श्रेणी का प्रथम पद क्या है नाइन है तो यहाँ पर आप नाइन राइट कर दीजिए अब सारी वैल्यूज को इसमें रख दीजिए देखिए हमें ए निकालना है तो एन इक्वल टू तो क्या रखेंगे 9. यहां पर रखिए श्रेणी का प्रथम पद क्या है नाइन है तो नाइन भी राइट कर दीजिए एन का वैल्यू नाइन रखना है तो नाइन माइनस वन ठीक है डी का वैल्यू कितना है माइनस फोर यहाँ पर आप माइनस फोर राइट कर दीजिए और देखिए क्या हो जाएगा नाइन प्लस नौ में से एक घटाएंगे तो आठ हो जाएगा आठ को माइनस चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ चौक क्या हो जाएगा बत्तीस माइनस बत्तीस चलिए नाइन माइनस बत्तीस और बत्तीस में से आप नाइन घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस बत्तीस प्लस नाइन क्या होगा माइनस ट्वेंटी थ्री और हमारी जो श्रेणी है उसका नवापद क्या है माइनस तेईस ये हमारा क्या हो गया आंसर हो आप लोग लिख दीजिए अतः श्रेणी का नवापद अतः श्रेणी का नवापद क्या है माइनस तेईस है तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट देखिए क्या कहा जा रहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है सिद्ध कीजिए कि की समांतर श्रेणी का जो पचीसवा पद है ग्यारहवें पद का तीन गुना होगा तो जो समांतर श्रेणी है उसका चौथा पद क्या है उसका चौथा पद शून्य है तो यानी कि जो हमारा ए फोर है वो फो, ए फोर क्या है जीरो है श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको हमने मान लिया क्या है ए है प्रथम पद ए और जो है वो क्या है डी है सार्वंतर क्या है डी है और हमें दिखाना है सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का जो 25वां पद है यानि कि ये जो हमारा ए ट्वेंटी फाइव है वो ग्यारहवें पद का तीन गुना है क्या है ग्यारहवें पद ये जो पच्चीसवा पद है ग्यारहवें पद का यानी कि थ्री टाइम्स ऑफ ए इलेवन हमें दिखाना है ठीक है तो इसका मतलब हमें ए, हमें पच्चीसवा पद भी निकालना पड़ेगा और हमें 11वां पद भी निकालना पड़ेगा तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट देखिए ए फोर दिया है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा तो आप लोग समझ गए क्या निकालना है अब देखिए मैं ए फोर दिया है और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या हमारा जो ए एन इज इक्वल टू होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी तो एन इज इक्वल टू क्या रखना है देखिए फोर हमें दिया है तो एन इज टू हम फोर रखेंगे तो हमारा रख तो क्या हो गया ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू क्या रखना है चार देखिए चार माइनस वन ऑफ डी अब यहाँ पे ए फोर का वैल्यू हमें क्या दिया जीरो दिया तो यहाँ पे जीरो राइट कर दीजिए इज इक्वल टू ए तो यहाँ पर हमने ए राइट किया चार में से हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तीन और यहाँ पर क्या है डी है तो स्टूडेंट यहां से हमें ए का मान मिल जा रहा है देखिए ए इजक्ल टू क्या हो जाएगा इस थ्री डी को आप इस तरफ लेकर के आइए हो जाएगा माइनस थ्री डी और यहाँ पे ये जो श्रेणी है श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास क्या आ चुका है माइनस थ्री डी अब हमें क्या निकालना है ए ट्वेंटी फाइव यानी कि श्रेणी का पच्चीसवा पद तो श्रेणी का पच्चीसवा पद क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करिए एन इजक्ल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी तो एन इजल टू क्या रखना है पच्चीस तो यहाँ पर आप लोग पच्चीस रखिए माइनस वन ऑफ डी और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या है माइनस थ्री डी तो यहाँ पर आप माइनस थ्री डी राइट कर दीजिए प्लस पच्चीस में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा चौबीस और यहाँ पर क्या आ गया डी अब देखिए माइनस थ्री डी है प्लस चौबीस डी है तो चौबीस डी में से थ्री डी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन डी और यहाँ पे जो श्रेणी है उसका पच्चीसवा पद हमारे पास क्या आ चुका है इक्कीस टाइम्स ऑफ डी और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर एक चलिए अब हम लोग इलेवन नंबर को निकालते हैं यानी कि श्रेणी का ग्यारहवां पद निकालते हैं तो श्रेणी का ग्यारहवां पद निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे यही फार्मूला यूज करेंगे तो जहां पर एन है वहां पर आपको एन इजक्वल टू इलेवन रख देना है तो रख दीजिए तो यहाँ पर हमने एन इजक्ल टू इलेवन रखा तो क्या हो गया देखिए ए प्लस एन और एन का वैल्यू क्या रखना है इलेवन माइनस वन ऑफ डी तो यहाँ पर राइट कर दीजिए ए इलेवन इज इक्वल टू क्या हो गया ए और ए का वैल्यू देखिए हमने क्या निकाला है माइनस थ्री डी तो यहाँ पर आप लोग माइनस थ्री डी राइट कर दीजिए ग्यारह में से हमने एक घटाया तो दस हो गया दस को डी डी से मल्टीप्लाई करेंगे टेन डी हो गया और यहाँ पर आप लोग देखिए दस डी में से तीन डी घटाएंगे तो कितना डी बचेगा सेवन डी और यहाँ पे श्रेणी का ग्यारहवा पद हमारे पास क्या आ गया सेवन डी और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर दो समीकरण एक और दो से देखिए लिखिए समीकरण एक और दो से एक और दो से अब स्टूडेंट यहां से आप लोग क्या देखेंगे अगर हम लोग ए ट्वेंटी फाइव लिखे ए ट्वेंटी फाइव देखिए हमारा क्या है इक्कीस डी है और अगर हम लोग इसको तीन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो ए इलेवन है थ्री टाइम्स ऑफ ए इलेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन डी तो यहां से आपको क्या मिलेगा इसमें तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा ए पच्चीस है वो बराबर हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ ए इलेवन के यही तो हो रहा है तो यहाँ पर भी इक्कीस डी यहाँ पर भी इक्कीस डी हो जाएगा और ए ट्वेंटी फाइव हमारा बराबर हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ ए इलेवन के तो इस तरीके से जो हमारा ए ट्वेंटी फाइव है वो इक्वल है तीन गुना किसका तीन गुना ए इलेवन का यानी कि श्रेणी के ग्यारहवे पद की और यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर को सॉल्व किया चीजें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तरीका आप लोग सीखते चलिए कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और किस तरीके से कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन भी आपको करनी आनी चाहिए ठीक है चलिए हम लोग आगे नंबर पर अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं चलिए हम लोग आगे देखते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग अनसॉल्व से चेक भी कर सकते हो चलिए आगे देखिए अब यहां पर दे, देखिए क्या दे, कह रहा है यदि ए प्लस वन थ्री टाइम्स ऑफ ए फोर ए प्लस टू समांतर श्रेणी में है ए क्या है समांतर श्रेणी में है तो हमें ए पी दी गई है इसका मतलब ए पी क्या दिया है ए प्लस वन थ्री ए और फोर ए प्लस टू तो ए का मान ज्ञात कीजिए हमें क्या करना है हमें ए का मान निकालना है तो यहां पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए अगर हम लोग इसमें से इसको घटा करके सर्वांतर निकालें और इसमें से इसको घटा करके सर्वातर निकालें तो समांतर श्रेणी में हमारा सर्वातर बराबर होगा तो जो हमारा d बराबर डी ठीक है आप लोग ऐसे समझे जो हमारा सर्वान्तर है बराबर होगा सर्वांतर के तो इस दूसरे पद में से इसको घटा देंगे देखिए अगर हम लोग ए टू माइनस ए वन करें तो ए टू माइनस ए वन जो हमारा बराबर होगा वो बराबर होगा ए थ्री माइनस ए टू के ए थ्री माइनस ए टू के और आप लोग बैलूज रख दीजिए देखिए क्या है ए टू क्या है थ्री ए श्रेणी का दूसरा पद ए टू है ठीक है दूसरा पद पहला पद तीसरा पद तो थ्री ए है माइनस ए वन ए वन का वैल्यू क्या है यानी कि जो श्रेणी का प्रथम पद क्या है ए प्लस वन तो आप यहाँ पर ए प्लस वन रखिए तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है ठीक है तो माइनस अंदर के दोनों माइनस हो गए इज इक्वल टू ए थ्री ए थ्री क्या है फोर ए प्लस टू और माइनस क्या हो जाएगा थ्री ए हल कर लीजिए देखिए थ्री ए में से एक घटाएंगे दो ए 2A हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए यहाँ पर देखिए चार ए में से तीन ए घटाएंगे तो ए बचेगा ए प्लस टू ठीक है स्टूडेंट इस ए को आप इस तरफ भेजिए हो जाएगा टू ए माइनस ए और इस माइनस वन को इस तरफ भेजेंगे हो जाएगा टू प्लस वन अब देखिए क्या हो जाएगा दो ए में से एक ए घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया थ्री हमें ए का मान बताना था और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है थ्री और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है अभी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक अगला प्रश्न आ गया है देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें एक्स <laughs> के किस मान के लिए टू एक्स एक्स प्लस एट थ्री एक्स प्लस वन समांतर श्रेणी में होंगे तो यहां पर हमें एक्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे चलिए सबसे पहले श्रेणी लिख लीजिए एपी में दिया है एक्स टू एक्स दिया है एक्स प्लस एट दिया है और थ्री एक्स प्लस वन दिया है ए हमारी श्रेणी का प्रथम पद है इस श्रेणी का दूसरा पद है और ए श्रेणी का क्या है तीसरा पद है तो हम लोग जानते हैं जो हमारा सर्वातर होगा किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो सर्वांतर होगा बराबर होगा तो जो हमारा सर्वातर होगा बराबर हो जाएगा सर्वातर के लिख लीजिए जो हमारा डी है वो बराबर हो जाएगा डी का इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं तो ए टू माइनस एवन कर दीजिए हमारा ए टू माइनस एवन है को बराबर हो जाएगा देखिए ए थ्री माइनस ए टू के यही तो बात है ए टू है क्या एक्स प्लस एट तो यहां पर आप लोग एक्स प्लस एट रख दीजिए माइनस करिए ए वन क्या है देखिए टू एक्स है तो यहां पर हमने टू एक्स राइट किया इज इक्वल टू देखिए ए थ्री क्या है थ्री एक्स प्लस वन तो यहां पर हमने थ्री एक्स प्लस वन राइट किया और यहां से देखिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस एट तो थ्री एक्स प्लस वन माइनस लगाएंगे माइनस करना तो माइनस करेंगे देखिए माइनस अंदर जाएगा ए प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हल कर लीजिए देखिए यहां पर एक्स यहाँ पर माइनस दो एक्स माइनस दो एक्स में से एक्स घटाएंगे तो माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा एट यहाँ पर देखिए तीन एक्स में से एक्स घटाएंगे हो जाएगा दो एक्स और यहाँ पर देखिए माइनस एट प्लस वन तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन अब इस माइनस एक्स को आप इस तरह भेजिए क्या हो जाएगा दो एक्स है माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा यहां पर प्लस 8 बचा और इस माइनस सेवन को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस वाला प्लस तीन एक्स और तीन एक्स इज इक्वल टू आठ सात क्या हो जाएगा पंद्रह समझ गए स्टूडेंट क्या आ गया तीन एक्स इज इक्वल टू पंद्रह आया तो एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसको तीन से भाग दे देंगे तो तीन पचे पंद्रह और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू हमारे पास फाइव आ गया और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया देखिए कितने आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे देखिए अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य है यहां पर ध्यान से सुनिए हमसे पूछ रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्या तो अगर हम लोग दो अंकों वाली पहली संख्या की बात करें तो दो अंकों वाली पहली संख्या हमारी क्या है दस है लेकिन हमें तीन से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्याओं की सूची बनानी है इसका मतलब चलिए हम लोग बनाते हैं तो हमारी देखिए एपी क्या बनेगी देखिए क्या बनता है दो अंकों वाली अगर हम लोग पहली संख्या की बात करें जो तीन से देखिए दो अंक की पहली संख्या दस हो गई दूसरी संख्या होगी तीसरी संख्या हमारी होगी लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें तीन अंकों से विभाज्य हमारी दो अंकों वाली हमारी पहली संख्या जो तीन से विभाज्य है वो बारह होगी तो यानी कि श्रेणी हमारी यहीं से बननी शुरू होगी अब देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसमें तीन जोड़िए पंद्रह दूसरी संख्या हमारी है जो तीन से विभाज्य है इसी तरीके से फिर तीन जोड़ दीजिए फिर तीन जोड़ दीजिए और ऐसे हमें एक श्रेणी मिलती चली जाएगी आखिरी संख्या की बात करें दो अंकों वाली तो हमारी 99 है और ये जो 99 है ये भी तीन से विभाज्य है तो अगर हम बात करें दो अंकों वाली तीन से विभाज्य आखिरी संख्या क्या है 99 नाइन है तो स्टूडेंट यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो नाइनटी नाइन यहाँ पे हमारी श्रेणी बनी और श्रेणी का जो अंतिम पद है वो क्या है निन्यानवे है तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो हमारा ए एन है वो बराबर हो जा रहा है एल के और यहाँ पर हमें एल इज इक्वल टू मिल गया क्या नाइनटी नाइन श्रेणी का अंतिम पद मिल गया श्रेणी का प्रथम पद देखिए हमारे पास क्या है बारह है और श्रेणी के सर्वांतर की बात करें तो श्रेणी का सर्वांतर डी देखिए क्या है पंद्रह में से बारह घटाएंगे तो तीन आ जाएगा तो सर्वांतर भी मिल गया हम लोग फॉर्मूला जानते हैं हमारा एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी हमें पदों की संख्या निकालनी है यानी कि ये जो श्रेणी बन रही है देखिए ये जो श्रेणी बन रही है इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं हमें पदों की संख्या बतानी है तो पदों की संख्या बतानी है इसका मतलब हमें क्या निकालना है एन निकालना है हमें एल पता है तो एल का वैल्यू आप राइट कर दीजिए एल का वैल्यू है नाइन्टी नाइन ए का वैल्यू है बारह और एन निकालना है तो एन वैसे रहने दीजिए डी दी का वैल्यू है थ्री तो सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट इस इसको देखिए क्या हो जाएगा इस बारह को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा निन्यानबे माइनस बारह और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके देखिए तीन को एन से मल्टीप्लाई किया थ्री एन थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री और निन्यानवे में से बारह हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एट्टी सेवन ठीक है घटा दीजिए नौ में से दो गया सात और नौ में से एक गया आठ अब देखिए इस माइनस थ्री को इस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री आएगा प्लस थ्री हो जाएगा यहाँ पे हो गया थ्री एन और सत्तासी में तीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नब्बे और नब्बे इज इक्वल टू क्या आ गया थ्री एन तो इस तरीके से लिख दीजिए थ्री एन इज इक्वल टू हमारा नब्बे और एन क्या हो जाएगा नब्बे बटे में तीन तो कर दीजिए काट दीजिए देखिए तीन एक के तीन काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तीस और एन का वैल्यू हमारा क्या आ गया थर्टी यानी कि ये जो हमारी श्रेणी बन रही है श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है थर्टी है तीस पद हैं ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो तीन से विभाज होने वाली दो अंकों की अगर हम सूची बनाएं तो इस सूची में पदों की संख्या क्या हो जाएगी तीस तो दो अंकों वाली कितनी संख्या है तीन से विभाज्य है तीस संख्याएं ऐसी हैं जो तीन से विभाजन लिख दीजिए अतः दो अंकों वाली लेकिन अतः तीस संख्याएं दो अंकों वाली ऐसी हैं तीस संख्याएं दो अंकों वाली ऐसी हैं अंकों वाली ऐसी हैं जो तीन से क्या है विभाज्य है जो तीन से विभाज्य है और इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है 636 छत्तीस योग प्राप्त करने के लिए हमें के, कितना योग प्राप्त करना है छः सौ छत्तीस योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी एन श्रेणी नाइन सेवनटीन ट्वेंटी फाइव के कितने पद लेने चाहिए तो यहाँ पे हमें श्रेणी क्या दी गई है देखिए नौ दिया गया है सत्रह दिया गया है और पच्चीस दिया गया है हमें इनका योग करना है ठीक है इस तरीके से हमें योग करना है और ऐसे इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे पद हैं ठीक है और हमें इनका योग क्या चाहिए 636 चाहिए हमसे कह रहा है कि ये जो श्रेणी बन रही है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें और कितने पद चाहिए तो हमें पदों की संख्या बतानी है हमें क्या बताना है पदों की संख्या हमें एन बताना है अब इस श्रेणी को देखने से आपको क्या लग रहा है सर्मात चेक कर लीजिए निकाल लीजिए सत्रह में से नौ घटाएंगे तो एट हो जाएगा श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू नाइन है अब योग हमारा कितना देखे एस एन अब पदों के योग वाले सवाल हमारे पास आ गए तो यहाँ पे योगफल कितना दिया है योगफल को हम लोग डिनोट करेंगे एस एन से और एस एन इज इक्वल टू में छः सौ छत्तीस दिया गया है इतनी बात समझ गए स्टूडेंट आप लोग चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला आप लोग जानते हैं एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है कितना होता है एस एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी ये हमारा फॉर्मूला होता है अब स्टूडेंट देखिए एस एन हमें दिया है कितना दिया है छः सौ छत्तीस आप लोग यहाँ पर छः सौ छत्तीस राइट कर दीजिए एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है टू ए श्रेणी का प्रथम पद क्या है नाइन है तो यहाँ पर आप नाइन राइट right कर दीजिए प्लस एन माइनस वन एन तो हमें निकालना है डी कितना है एट है तो डी यहाँ पे आप राइट right कर दीजिए अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए 636 सौ छत्तीस इज इक्वल टू एन अपॉन में टू देखिए यहां पर भी टू है यहां से हम टू निकाल सकते तो टू हमने बाहर निकाल लिया यहां पर क्या बचा नाइन प्लस और यहाँ पर क्या बचा है फोर चलिए राइट कर देते हैं एन माइनस वन इंटू में फोर दो हमने कॉमन कर लिया है अब ए वाला दो तो इस दो से हो जाएगा कैंसिल यहां पर क्या हो गया अब देखिए नाइन प्लस चार को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन माइनस फोर अब फिर से देखिए यहाँ पे सौ छत्तीस ध्यान से देखिए एन नाइन माइनस फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव फाइव प्लस फोर एन इक्वल टू सौ छत्तीस है अब देखिए क्या होगा चलिए यहां पे राइट कर देते हैं छ सौ छत्तीस इज इक्वल टू इस एन से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा फाइव एन फाइव एन प्लस फोर एन स्क्वायर इतना हो गया अब देखिए क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं फोर एन स्क्वायर प्लस फाइव एन और माइनस क्या हो जाएगा 636 सौ छत्तीस एज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो अब स्टूडेंट देखिए हमें करना क्या है हमें इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए जो हमारा एन का मल्टीप्लायर देखिए ये जो फोर है एन स्क्वायर का जो गुणांक है इस गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं इस अचर पद से तो माइनस सौ छत्तीस को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर से और जो हमारा आएगा फिर उसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा चार छंग चौबीस तो इसका हमें गुणनखंड करना है हो जाएगा चार छंग चौबीस फिर चार तीन बारह दो चौदह के चार हासिल एक चार छंग चौबीस एक पच्चीस कितना हो गया पच्चीस चौवालीस माइनस पच्चीस चौवालीस अब आप लोग ध्यान से देखिए इसको हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए फाइव आना चाहिए फाइव आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करें देखिए अगर हम इसको लिख दें फोर्टी एट इंटू में फिफ्टी थी। थ्री ठीक है तो माइनस अड़तालीस को तिरपन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस पच्चीस चवालीस हमें मिल जाएगा ठीक है माइनस पच्चीस चौवालीस मिलेगा और हम लोग देखिए माइनस अड़तालीस एन प्लस फिफ्टी थ्री एन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव एन इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा आप लोग इसको गुणनखंड विधि से ब्रेक करना इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखिए देखिए क्या हो जाएगा फोर एन स्क्वायर तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे देखिए यहाँ से माइनस फोर्टी एट एन माइनस फोर्टी एट एन और क्या हो जाएगा फिफ्टी थ्री एन प्लस फिफ्टी थ्री एन माइनस छः सौ छत्तीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए हमने फोर एन कॉमन कर लिया हमने फोर एन कॉमन किया तो क्या बचा एन यहाँ से चार निकला तो क्या बचा बारह अब यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस यहाँ से हमारा क्या निकलेगा फिफ्टी थ्री तो यहाँ से हमने फिफ्टी थ्री निकाला तो यहाँ पर क्या बचा एन और देखिए इसको फिफ्टी थ्री से भाग देंगे कितना आ जाएगा वन टाइम जाएगा फिफ्टी थ्री से भाग देंगे वन टाइम जाएगा और देखिए कितना बचा यहाँ पे दस हो जाएगा एक सौ और फिफ्टी थ्री को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एक सौ पूरी तरीके से कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा जीरो अब देखिए यहां पर एन माइनस बारह यहां पे भी N 12 है, तो क्या हो जाएगा N 12 हमारा कॉमन हो जाएगा, और दूसरे में क्या बचेगा? 4N 53, 0. अब अगर हमारा एन माइनस बारह इक्वल टू जीरो है तो एन बराबर किसके हो जाएगा बारह के एन बराबर किसके हो जाएगा बारह के और अगर हमारा फोर एन प्लस फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी थ्री आप में फोर ये हमारी वैल्यू क्या है आग्रह है इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि जो श्रेणी है श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो ऋणात्मक नहीं होती है तो यहाँ पर ये जो हमें हमारे पदों की संख्या है वो क्या हो जाएगी एन इज इक्वल टू बारह तो लिख दीजिए अतः योग प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये जो श्रेणी है इसमें हमें एन इज इक्वल टू बारह लेना पड़ेगा यानी कि पदों बारह पद लेने पड़ेंगे लिखिए छह सौ छत्तीस हमें योग प्राप्त करने के लिए छे सौ छत्तीस योग प्राप्त करने के लिए करने के लिए बारह पद लेने पड़ेंगे तो स्टूडेंट आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे आपने यह भी समझा कि जो श्रेणी है इसमें पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती ठीक है पद हमें हमारे हमेशा धनात्मक ही होंगे तो यहां पर देखिए पदों की संख्या में कितनी लेनी पड़ेगी बारह इस तरीके से आप लोग समझते चलिए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम चौदह पदों का योग एक हजार पचास है तो प्रथम चौदह पदों का योग यानी कि हमें एस फोर्टीन कितना दिया है एक हजार पचास दिया है एन इज टू क्या हो गया चौदह ठीक है यहाँ पे एन इक्वल टू चौदह रखे एन बराबर चौदह और देखिए क्या है इसका प्रथम पद दस है प्रथम पद दस है हमें बीसवा पद ज्ञात करना है बीसवा पद यानी कि ए ट्वेंटी क्या होगा हमें ये बताना है ठीक स्टूडेंट चलिए प्रथम पद दस दिया गया है तो हम लोग निकालते हैं देखिए हमारा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए एस एन इज इक्वल टू हमारा होता है एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या होता है डी होता है और इसमें हम लोग एन इक्वल टू चौदह रखेंगे तो रख दीजिए देखिए क्या हो जाएगा एस चौदह में दिया देखिए एन इक्वल टू हमने चौदह रखा चलिए रख देते हैं एन इजक्वल टू हमने चौदह रखा तो रख दीजिए तो एन का वैल्यू चौदह रखेंगे तो यहाँ पर चौदह बटे में दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू इन में a और a का मान क्या दिया है दस दिया तो यहाँ पे आप दस राइट कर दीजिए प्लस n का मान चौदह रखना तो यहाँ पे आप चौदह रखिए माइनस वन ऑफ d d हमें निकालना पड़ेगा अब देखिए s चौदह में कितना दिया है एक हजार पचास यहाँ पे राइट कर दीजिए वन जीरो फाइव जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको काटेंगे तो यहाँ पर सेवन आ जाएगा तो सेवन राइट कर दीजिए दो सौ आ गया दो दाम चौदह में से एक घटाएंगे तेरह और तेरह को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो तेरा डी हो जाएगा अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा आगे एक हजार पचास इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बीस सते एक सौ चालीस प्लस तेरह सते इक्यानवे डी नाइनटी वन डी आप इसको इस तरह भेजिए तो एक हज़ार पचास माइनस एक सौ चालीस इज इक्वल टू नाइन्टी वन डी और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए घटाइए जीरो 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 हो जाएगा पाँच में से चार घटाएंगे तो एक हो जाएगा और यहाँ पर देखिए दस में से एक घटाएंगे नौ कितना आ गया नौ सौ दस इज इक्वल टू नाइन्टी वन डी अब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दस तो जो श्रेणी है उसका सर्वांतर क्या आ चुका है दस तो अब हमें सर्वांतर मिल गया स्टूडेंट ठीक है लिख लीजिए जो सर्वांतर डी है वो हमारे पास दस आ गया है हमें निकालना क्या है बीसवा पद यानी कि ये जो ए ट्वेंटी है ये हमें निकालना है तो हम लोग जानते हैं जो हमारा ए एन होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है तो एन निकालना है तो एन देखिए ए ट्वेंटी निकालना है टेन तो तो है? और और है? है तो यहाँ पे आप टेन राइट कर दीजिए देखिए हम लोग ए ट्वेंटी आराम से निकाल लेंगे तो श्रेणी का जो प्रथम पद है उसका मान दस है तो यहाँ पे आप दस राइट कर दीजिए और बीस में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा उन्नीस राइट कर दीजिए और इनटू में टेन यहाँ पर दस लिखिए उन्नीस को दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दाम कितना हो एक सौ नब्बे और एक सौ नब्बे में आप दस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दो सौ यानी कि जो हमारी श्रेणी है उसका जो बीसवा पद है वो क्या है दो सौ है यही हमारा क्या हो जाएगा ए में निकालना था बीसवा पद तो लिख दीजिए अतः श्रेणी का बीसवा पद श्रेणी का बीसवा पद क्या है दो सौ है तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने श्रेणी का जो हमारा बीसवा पद था हमने बीसवा पद निकाल लिया और इस तरीके से किस आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को समझिए अब आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं क्योंकि आपने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को पढ़िए समांतर श्रेणी हमें दी गई तो राइट कर लीजिए हमें क्या दिया ए पी क्या है चौबीस ट्वेंटी वन अठारह के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग अठहत्तर हो उनका योग कितना हो अठहत्तर हो तो यहाँ पर आप लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए देखिए इनका योग हमें निकालना है और कितना होना चाहिए इनका योग अठहत्तर यानी कि हमें एस एन दिया है और पदों की संख्या निकालनी है ना, तो एन हमें क्या करना है निकालना है और पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो चलिए यहां से हम लोग सबसे पहले सर्वांतर निकाल लेते हैं देखिए सर्वांतर क्या हो जाएगा 21 में से आप 24 घटा दीजिए तो 21 में से हम 24 घटाएंगे कि तो कितना हो जाएगा चौबीस प्लस इक्कीस माइनस थ्री तो जो सर्वांतर डी है वो हमारे पास क्या आ गया माइनस थ्री आ गया है श्रेणी का प्रथम पद क्या है देखिए क्या है चौबीस है राइट कर दीजिए अब आप लोग फार्मूला अप्लाई करिए देखिए क्या हो जाता है क्या होगा एस एन इज इक्वल टू हमारा होता है एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या होता है डी और डी का वैल्यू यहाँ पर डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी अब आप लोग बैलूज रख दीजिए देखिए एस एन हमारा कितना है एस एन हमारा सेवन एट है तो यहाँ पर हमने सेवन एट राइट कर दिया एन का वैल्यू ध्यान से देखिए कितना है एन तो हमें निकालना ही है एन तो यहां पर आप वैसे रहने दीजिए टू ए और ए का वैल्यू है चौबीस चौबीस को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौबीस दूनी क्या हो जाएगा अड़तालीस चलिए राइट कर दीजिए एन माइनस वन ऑफ डी और डी का वैल्यू क्या है माइनस थ्री तो यहां पे आप राइट कर दीजिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए क्या हो जाएगा सेवेंटी एट इज इक्वल टू एन अपॉन टू और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे चौबीस दूनी अड़तालीस अड़तालीस प्लस माइनस थ्री को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एन हो जाएगा माइनस थ्री एन माइनस थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और तीन गुड़े एक करेंगे तो तीन एक के क्या हो जाएगा तीन चलिए राइट करिए सेवनटी एट एज इक्वल टू एन अपॉन टू और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अड़तालीस में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इक्यावन और यहाँ पर माइनस थ्री एन इस टू को आप इस तरह भेज दीजिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा सेवनटी एट मल्टीप्लाईड बाई टू एज इक्वल टू इस एन से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए क्या हो जाएगा फिफ्टी वन एन और देखिए क्या हो जाएगा एन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एन स्क्वायर इतना हो गया चलिए अब आप लोग इसको इस तरफ भेजिए थ्री एन स्क्वायर माइनस फिफ्टी वन एन और देखिए क्या हो जाएगा और देखिए क्या हो जाएगा और प्लस दो अठ सोलह के छह हासिल एक और दो सौ चौदह एक पंद्रह एक सौ छप्पन हो Is equal to, क्या हो गया? जीरो हो गया तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए तीन, दे तीन से भाग दे देखिए तो तो पास एक दुघात समीकरण मिल चुका है और इस दुघ समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे और एन का मान निकाल लेंगे तो राइट कर लीजिए यहां पर क्या है एन स्क्वायर माइनस सत्रह एन प्लस बावन इज इक्वल टू जीरो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे देखिए एन स्क्वायर का जो गुणांक होता है एन स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एन स्क्वायर का गुणांक वन है तो वन को बावन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बावन ही आएगा अब ये जो बावन है देखिए ये जो बावन है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर सत्रह एन आना चाहिए सत्रह आना चाहिए माइनस सत्रह हमारे पास सत्रह आना चाहिए तो क्या करेंगे अगर हम लोग तेरह गुड़े चार करेंगे तो हमारे पास बावन आ जाएगा प्लस बावन तो आ जाएगा लेकिन माइनस सत्रह नहीं मिल रहा तो अगर हम लोग माइनस तेरह गुड़े माइनस चार कर दें तो हमें तब भी प्लस बावन मिलेगा देखिए जब हमने माइनस तेरह माइनस तेरह गुड़े माइनस चार किया तो तब भी हमें कितना मिल रहा माइनस बावन और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस तेरा एन और माइनस फोर एन कर दें तो हमें कितना मिल जा रहा है माइनस सत्रह एन मिल जा रहा है अब ये जो हमारा माइनस सत्रह एन है इस माइनस सत्रह एन के स्थान पे हम लोग इसी वैल्यू को रख देंगे रख सकते हैं ना तो रख दीजिए माइनस तेरह एन माइनस फोर एन प्लस फिफ्टी टू इज इक्वल टू तो जीरो और स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देखिए कॉमन क्या है एन एन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है एन हमने कॉमन किया क्या बचा एन माइनस तेरह और यहाँ पर देखिए हमने फोर कॉमन किया N -4 तो एन माइनस फोर कॉमन हुआ में प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस तेरह हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर ध्यान से देखिए एन माइनस तेरह यहाँ पे भी है और जो एन माइनस तेरह है वो यहाँ पर भी है तो एन माइनस तेरह हमारा कॉमन हो जाएगा कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर क्या होगा एन माइनस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो के अब अगर हमारा एन माइनस तेरह बराबर है जीरो के तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा और देखिए अगर एन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है देखिए जीरो है तो एन बराबर क्या आ गया चार आ गया अब यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हो दोनों जो हमारी एन की वैल्यू आई है वो धनात्मक है यानी कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं एन का मान अगर हम लोग चार लेंगे तभी हम, तब भी हमें योग अठहत्तर मिलेगा और एन का वैल्यू तेरह लेंगे तभी हमें योग कितना मिलेगा सेवनटी एट मिलेगा तो लिखिए जो हमारा एन है एन का मान तेरह व चार दोनों हो सकते हैं लिखिए लिखिए एन का मान का मान तेरह वा चार दोनों स्वीकार है ठीक है दोनों ले सकते हैं तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और सीखा चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है और क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है आप लोग सीख गए होंगे तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो क्वेश्चन को पढ़िए इसमें कहा जा रहा है प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए तो हमें प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसके लिए हमें श्रेणी बनानी पड़ेगी तो चलिए हम लोग श्रेणी बनाते हैं प्रथम एन धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे देखिए प्रथम धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे पहला पद वन योग निकालना है तो वन दूसरा पद टू थ्री फोर फाइव ऐसे ऐसे में कितने पदों का योग निकालना है एन पदों का योग निकालना है तो आगे देखिए यहां से जो श्रेणी हमारी बनी तो इसमें प्रथम पद क्या है वन है सर्वांतर की बात करें देखिए सर्वांतर क्या है दो में से एक घटाएंगे तो एक हो जाएगा और इसमें जो हमारी पदों की संख्या हो क्या है हमारी जो पदों की संख्या है वो एन है अब हमें पदों का योग चाहिए तो योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज़ इक्वल टू होता है एन अपॉन में टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी तो ए स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यूज रख दीजिए तभी हमें एस मिलेगा तो एन तो हमारा एन ही है एन पदों का योग निकालना है तो एन तो वैसे ही रहेगा टू ये जो श्रेणी बनी इसका प्रथम पद क्या है वन है तो यहाँ पे आप वन राइट कर दीजिए प्लस एन माइनस वन और एन कितना है हमें एन पदों का योग ही चाहिए और डी का वैल्यू क्या है वन है तो यहाँ पे आप वन राइट कर दीजिए और हल करिए देखिए क्या हो जाएगा एन अपॉन टू टू को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो टू आ जाएगा प्लस इस वन को मल्टीप्लाई करिए तो यहां पे इस तरीके से हो जाएगा अब आगे देखिए आगे देखिए क्या होगा एन अपॉन में टू और यहां पर दो में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा एक तो लिख दीजिए एन प्लस वन अब देखिए क्या हो जाएगा एन इन में एन प्लस वन और हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम लोग प्रथम एन पदों के योग की बात करें प्रथम एन धनात्म धन पूर्णांकों के योग की बात करें तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है इसका जो योग है वो क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो इस तरीके से आप लोग श्रेणी बनाइएगा और श्रेणी बना करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप लोग क्वेश्चन पढ़िए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय कोई व्यक्ति है उसकी जो पहले वर्ष की आय है वो कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख उसकी जो प्रथम वर्ष की आय है वो थ्री लाख रुपीज है ठीक है तीन लाख रुपया है तथा उसकी आय रुपया दस हजार प्रतिवर्ष उन्नीस वर्षों तक बढ़ती है देखिए जो हमारा यहाँ पे समझ लीजिए यहीं से पहले वर्ष की जो आयु है वो तीन लाख है दूसरे वर्ष में दस हजार बढ़ा तीसरे वर्ष में फिर दस हजार बढ़ेगा समझते चलिए समझिए पहले वर्ष में तीन लाख था तीन लाख था तो दूसरे वर्ष में फिर बढ़ा दस हजार बढ़ा ऐसे समझते चलिए दस हजार बढ़ा फिर जो अगला वर्ष आया उसमें फिर दस हजार बढ़ा फिर इसी तरीके से ऐसे दस हजार बढ़ा और ऐसे 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 उन्नीस वर्षों तक बढ़ता चला गया ठीक है उन्नीस वर्षों तक बढ़ा तो इतने टर्म उन्नीस हो गए और एक ए पूरे पदों की संख्या हमारी कितनी हो गई बीस हो गई पहले वर्ष तीन लाख दूसरे वर्ष तीन लाख दस हजार ऐसे बढ़ता चला गया उन्नीस वर्षों तक बढ़ा तो इस तरीके से हमारा जो पदों की संख्या है बीस आ गया अब हमें क्या बताना है तो उसके द्वारा बीस वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए उसने बीस वर्ष में कितनी राशि प्राप्त करी हमें वो राशि बतानी है यानी कि हमें पदों का योग बताना है तो श्रेणी आप लोग समझ गए होंगे इसी तरीके से तो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर दीजिए तो चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस तरीके से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट का यूज करना है थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज करना है बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है तो सूत्र का प्रयोग करिए एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाय टू और एन का मान कितना है बीस है बीस कैसे आया हमने आपको बता दिया एन बाई टू ऑफ टू ए अब यहां पे यह जो श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या है देखिए तीन लाख तो यहां पे आप राइट कर दिए थ्री वन टू थ्री फोर फाइव जीरो इंटू में टू ठीक है आप बाद में लिखो पहले लिखो तो राइट करिए टू में टू और ए A. A का वैल्यू क्या है तीन लाख प्लस एन माइनस वन तो एन का बीस है, 20 है. -1 में D. D हमारे कितना है दस हजार देखिए दस हजार प्रति वर्ष बढ़ रहा है दस दस एड हो रहा है तो इसमें से आप घटाओगे जो सर्वांतर हो डी कितना दस हजार तो इस तरीके से हमारे पास हो गया अब इसको दो से भाग दे देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा दस और स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए इसमें से हम लोग दस कॉमन कॉमन कर सकते हैं चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से हो गया प्लस बीस में से घटाएंगे उन्नीस हो जाएगा और को उन्नीस को मल्टीप्लाई कर दीजिए उन्नीस शून्य शून्य उन्नीस शून्य शून्य उन्नीस शून्य शून्य उन्नीस शून्य शून्य उन्नीस सिक्के उन्नीस, 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 उन्नीस इस तरीके से आ गया चलिए ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए ऐड करिए इसमें तो देखिए ये छः लाख है और ये एक लाख नब्बे हजार तो सात लाख नब्बे हजार हो जाएगा सात लाख नब्बे हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख सात लाख नब्बे हजार इकाई तहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तो सात लाख नब्बे हजार अब इसमें आप दस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दस से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए इसने जो बीस वर्ष में राशि प्राप्त करी वो राशि क्या गई है ए हमारी राशि हो गई और हमें यही निकालना था यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन देखने में हाई फाई लग रहा था लेकिन हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और इसको आसानी से सॉल्व कर लिया चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो तो आप लोग इसको सॉल्व करना एक श्रेणी बनाइएगा और आराम से सॉल्व कर लीजिएगा कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से देखिए चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यों पद पी है तो एनवा पद याद कीजिए क्या निकालना है हमें एनवा पद निकालना है तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमें क्या दिया है श्रेणी का जो पीवा पद है यानी कि जो हमारा ए पी है वो क्या है क्यू है ठीक और जो हमारा क्यूवा पद है यानी कि जो हमारा ए क्यू है वो क्या है पी है तो हमें एनवा पद निकालना है यानी कि हमें ए एन बताना है कि क्या होगा ठीक तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ए पी क्या हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी फॉर्मूला हमारा यही होता है और जहां जहां पे न चलिए हम लोग फार्मूला लिख देते हैं पहले देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है तो जहां जहां एन है वहां वहां पी रख दीजिए ठीक है तभी तो हमें ए पी मिलेगा तो यहाँ पे हमने पी रखा इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन ऑफ डी और ये जो ए पी है ए पी का मान क्या है क्यू है तो यहां पर आप ए पी के स्थान पे क्यू रख दीजिए देखिए जो पीवा पद हमारा एपी है और पीवा पद क्या है क्यू है तो इसलिए हमने एपी के स्थान पे क्या रखा क्यू रखा तो यहां से इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन और क्या हो गया डी हो गया अब चलिए इसको आप मान लीजिए क्या समीकरण नंबर एक अब आगे देखिए अब ये जो हमारा ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम लोग एन बराबर क्या रखेंगे क्यू रखेंगे तो एन बराबर क्यू तो रख दीजिए तो एन बराबर हमने क्या रखा क्यू रखा तो हमें मिला क्या ए क्यू ए क्यू क्या हो जाएगा ए प्लस जहां जहां एन है वहां क्यू रखना है तो क्यू माइनस वन ऑफ क्या हो जाएगा डी और AQ का का क्या है P है देखिए तो AQ का आप पी रख दीजिए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन ऑफ क्या हो जाएगा डी और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर दो अब स्टूडेंट हम लोग समीकरण एक और दो को हल करेंगे तो समीकरण एक और दो को हल कर लीजिए लिखिए समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सोचिए तो इसको हम लोग हल करते हैं समीकरण एक देखिए हमारा क्या है क्यू इज इक्वल टू है ए प्लस पी माइनस वन ऑफ डी पी माइनस वन ऑफ डी और जो हमारा समीकरण दो है वो क्या है पी इज इक्वल टू है ए प्लस क्यू माइनस वन ऑफ डी और स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो घटा दीजिए यहाँ से हमें डी का मान मिलेगा घटाइए घटाने पर चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा तो बदल दीजिए देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा ए से और यहाँ पर क्या होगा q माइनस पी इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या होगा माइनस वन ऑफ क्या है डी माइनस राइट करिए और यहां पर क्या हो जाएगा क्यू माइनस वन ऑफ क्या हो जाएगा डी तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए चलिए अब आप लोग यहां पर देखिए हमारे पास क्यू माइनस पी क्या आ गया क्यू माइनस पी इज इक्वल टू यहां पर आप लोग देखिए डी यहां पर भी है डी यहां पर भी है तो D हमारा कॉमन हो जाएगा हमने d कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा p माइनस वन अब यहाँ पे देखिए क्या बचा माइनस टाइम्स ऑफ q माइनस वन तो माइनस को हमने अंदर भेजा तो माइनस q हो जाएगा और a माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुआ और यहाँ पे देखिए ये जो माइनस वाला है इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा हमारा जो q माइनस पी है वो इक्वल किसके हो गया d ऑफ p माइनस क्यू के और स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे पी माइनस क्यू है यहाँ पे क्यू माइनस पी है अगर यहाँ से माइनस वन कॉमन कर लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी माइनस क्यू ये लिख सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर भी है पी माइनस क्यू और ये जो पी माइनस क्यू है इस पी माइनस क्यू से कट जाएगा और हमारे पास डी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन टू क्या गया? -1 आ गया माइनस वन आ गया अब हमें निकालना क्या है एनवा पद निकालना है तो एनवा पद हमारा क्या हो जाएगा एनवा पद निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी हमारा होता है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ए का मान भी निकाल लेते हैं तो ए का मान हम लोग कैसे निकालेंगे तो ए का मान निकाल लीजिए जो हमारा डी बराबर है डी बराबर माइनस वन आप समीकरण एक में रख दीजिए या फिर दो में रख दीजिए आपको ए का मान मिल जाएगा तो चलिए हम लोग ए का मान भी निकाल लेते हैं ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लिखिए डी बराबर माइनस वन डी बराबर माइनस वन समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो आप लोग बैलूज रख दीजिए और देखिए क्या हो जाएगा d बराबर माइनस वन रखना है ठीक है तो यहां पर देखिए q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी का मान माइनस वन रखिए तो यहां पर p माइनस वन और टू में माइनस वन सॉल्व कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा यहां पर है q और यहां पर है a तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा और इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए क्या होगा अब यहां पर देखिए ए को वहीं रहने दीजिए ठीक है ए को हमने वहीं रहने दिया तो हमारा क्या है क्यू और इस माइनस पी को हम इस तरफ लेकर के आएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस पी और प्लस वाला माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस प्लस वाला जो वन है हो जाएगा माइनस वन तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या आ गया क्यू प्लस पी माइनस वन अब स्टूडेंट हम लोग चलिए एनवा पद निकालते हैं देखते हैं हमारा एनवा पद क्या हो जाएगा हम लोग एनवा पद निकालते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी ठीक है तो इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं जो हमारा ए एन है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी और देखिए ए एन हमारा क्या हो जाएगा अभी अभी हमने ए का वैल्यू निकाला ए का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से आप लोग देखिए ए का मान आया है क्यू प्लस पी माइनस वन तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिए क्यू प्लस पी माइनस वन क्यू और यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाइए प्लस N -1, एन माइनस वन एनवा पद निकालना है माइनस वन ऑफ डी और डी का वैल्यू क्या आया है माइनस वन सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन इस माइनस वन से इसमें मल्टीप्लाई करिए देखिए क्या हो जाएगा माइनस वन से एन में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो, एन और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस वन और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए ये जो माइनस वन है इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एनवा पद क्या हो जाएगा Q प्लस पी माइनस एन और हमारे पास ये जो श्रेणी थी उसका जो एनवा पद आ गया एनवा पद निकालना था एनवा पद क्या हो गया है Q प्लस पी माइनस एन और यही हमारा आंसर हो गया तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन था यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है क्यूवा पद पी है तो उसका हमें एनवा पद निकालना था और स्टूडेंट देखे इस तरीके से हमने इसका एनवा पद निकाल लिया एनवा पद हमारे पास है एन इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस एन तो इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं किसी भी तरीके से अगर आपको घुमा रहा है और आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे हमने हर एक लेवल के क्वेश्चन को इस सीट में रखा ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट देखिए ए वाला जो हमारा क्वेश्चन है एकदम उज जैसे अभी हमने सॉल्व किया उसी के जैसा है इसमें हमें p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है क्या निकालना है इसमें हमें p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है तो योगफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो एस एन इज टू होता है एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी हमारा होता है तो अभी अभी देखिए एकदम उसी के जैसा हमारा फॉर्मूला है उसी के जैसे क्वेश्चन है डी का मान हमने निकाला minus one आया है, ठीक? और हमने जब श्रेणी के प्रथम पद निकाला तो प्रथम पद हमारा श्रेणी का क्या आया है? q plus p minus one आप लोग देख लीजिए जो प्रथम पद आया है वो क्या आया है? age equal to q plus p minus one, age equal to क्या आया है? q plus p minus one आया है। अब हमें पी प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है यानी कि यहां पे एन के स्थान पे हमें क्या रखना है पी प्लस क्यू हमें एन के स्थान पे पी प्लस क्यू रखना है तो आप लोग इसमें जहां जहां एन है वहां वहां पे पी प्लस क्यू रख दीजिए डी का मान रख दीजिए और ए का मान रख दीजिए आपको योगफल मिल जाएगा तो देखिए एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा देखिए बाकी हमारा वहां से होगा हम लोग वहां से डी का यहाँ पे डी का मान निकालते ए का मान निकालते तो अभी अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में हमने डी का मान निकाला है ए का मान निकाला है तो हमने डी और ए का मान वहीं से ले लिया ठीक तो आप लोग इसको हल कर लेना तो यहाँ पर एन का मान रख दीजिए पी, तो पी प्लस क्यू तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन में टू यहाँ पर देखिए टू इन टू में ए और ए का मान क्या है क्यू प्लस पी माइनस वन तो राइट कर दीजिए क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन अब देखिए एन के स्थान पे क्या रखना है पी प्लस क्यू तो यहां पर आप लोग पी प्लस क्यू रख दीजिए एन का मान और माइनस वन माइनस वन ऑफ क्या हो जाएगा डी और डी का वैल्यू क्या है माइनस वन और इसको सॉल्व कर लीजिए देखिए यहां पे क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन में टू इसमें मल्टीप्लाई करिए देखिए क्या हो जाएगा टू क्यूब प्लस टू पी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो माइनस टू और यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग पर ध्यान से देखिए हम लोग इस वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस पी चलिए डायरेक्टली हम लोग लिखते भी चलते हैं देखिए माइनस वन से इस पी में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का तो मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा माइनस तो यहां पर माइनस पी हो जाएगा इस वन से इस क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस क्यू हो जाएगा माइनस वन से माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस वन अब यहां पर देखिए पी प्लस क्यू में टू और हम निकाल क्या रहे हैं पी प्लस क्यू पदों का योग पी प्लस क्यू पदों का योग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टू क्यू है यहाँ पे q है तो टू क्यू में से q घटाएंगे तो q आ जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस टू पी है और यहाँ पर क्या है माइनस पी है तो स्टूडेंट देखिए इस टू पी से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस पी होगा ठीक हो है इस टू से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या होगा प्लस टू पी इस टू पी में से p को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पी प्लस पी अब यहां पे देखिए माइनस टू है और प्लस वन है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू में से प्लस वन घटाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा अब आप लोग ध्यान से देखिए इस p प्लस क्यू से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए क्या हो जाएगा p प्लस क्यू से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको आप लोग कुछ इस तरीके से कर लीजिए चलिए मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे पी प्लस क्यू से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी इसको भी हम लोग पी प्लस क्यू लिख सकते हैं तो इसको पी प्लस क्यू राइट कर लीजिए फिर माइनस लगाइए इस P plus Q से इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो पी प्लस क्यू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में टू एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा देखिए पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में पी प्लस क्यू हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा टू और देखिए स्टूडेंट जो हमारा पी प्लस क्यू पदों का योग है उसको हमने निकाल लिया है और हमारे पास क्या आ गया है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू अपॉन में टू यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो माई डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में भी आ गए होंगे अब देखिए स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जीरो और सौ के बीच की विषम संख्याओं का योग याद करना है जीरो और सौ के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हमें जीरो और सौ के बीच कितनी संख्याएं विषम संख्या देखिए पहली संख्या, संख्या वन हो जाएगी इसी तरीके से थ्री फाइव और श्रेणी आप बन बनाते चलो जाओगे और आखिरी जो संख्या है नाइन्टी नाइन श्रेणी जो हमारी बनेगी देखिए कुछ इस तरीके से श्रेणी बनेगी और अब आप लोग इसका योग तो निकाल ही सकते हो फार्मूला आप लोग क्या अप्लाई करोगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है सर्वांतर निकालना श्रेणी का प्रथम पद निकालना और सॉल्व कर लेना सबसे पहले आपको इसमें कितने पद हैं पदों की संख्या निकालना पड़ेगा तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी यूज करना तो यहाँ पे देखिए जो हमारा श्रेणी का अंतिम पद दिया है ना तो ए एन के स्थान पे आप एल रखोगे एल प्लस एन माइनस वन ऑफ डी एल का वैल्यू आप रखोगे नाइन्टी नाइन और श्रेणी का प्रथम पद यहाँ से आपको एन का वैल्यू निकलेगा मिल जाएगा एन का वैल्यू जो मिलेगा आप लोग यहाँ पे रखना श्रेणी का प्रथम पद रखना और आसानी से एन पदों का आप लोग योग फल निकालेंगे जो भी पद आएगा यानी कि ये जो श्रेणी बन रही है इसका योग आप लोग निकाल सकते हो इसको आप लोग सॉल्व करना अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो देखिए इसमें हमें बीस पदों तक योगफल निकालना है बीस एन इज इक्वल टू बीस हमें दिया गया समझिए बीस पदों तक योगफल निकालना है तो यानी कि आपको एस ट्वेंटी निकालना है ठीक है तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे सेम उसी तरीके से अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये भी उसी तरीके से है सीरीज बनाना सीरीज बनाने के बाद आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे अब स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है कॉन्सेप्ट आप लोग सीख ही गए हो तो स्टूडेंट चलिए आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इसको आप लोग करना क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व करना कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे सारे क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट आप लोग ये आप लोग ले समझिए होमवर्क है इसको हमने सॉल्व किया है आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे इसका आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में एक क्वेश्चन दिया है हमने इसको सॉल्व किया है आगे देखिए ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है आप लोग सॉल्व कर भी ले जाएंगे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोग इसको सॉल्व करना तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक like कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू